अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। बर्तन तो आप सबके घर में टूटते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक टूटी हुई प्लेट से एक बहुत ही खूबसूरत वॉल हैंगिंग बनाना सिखाती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस प्लेट को E6000 से जोड़ लिया। आपके पास जो भी एल्फी या कोई भी ग्लू हो, आप उससे इसको जोड़ लें। पहले मैंने पीछे टेप लगा दिया था ताकि वो जुड़ा रहे और हिले नहीं अपनी जगह। और उसको पूरी एक रात रखने के बाद मैंने इसके ऊपर वॉल पट्टी लगाई है। और वॉल पट्टी लगाने के बाद जब वॉल पट्टी सूख गई तो मैंने इसको सैंड पेपर से घिस कर और इवन किया। और उसके बाद मैंने जो है इसको एक सर्कल को एक पेपर को उस पर रखे नाप लेके प्लेट का और उससे काटा है। और अब मैं उस पर एक डिज़ाइन बना रही हूँ। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो अपनी मर्ज़ी से आप वो बना सकते हैं। सर्किल बनाने का मकसद ये था कि जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊँ उस प्लेट के अंदर ही आए, उसके सर्किल जो बीच वाला जो सर्किल है उसके अंदर आए। तो इसलिए मैंने उसके नाप का सर्किल बनाया है। और फिर मैंने एक थोड़ा सा मस्जिद की जो ऊपर की मेहराब होती है उससे सिमिलर एक डिज़ाइन बनाया है। और उसको मैंने चार तह करके काट दिया ताकि वो चारों तरफ से इक्वल डिज़ाइन बने। और फिर मैंने इस डिज़ाइन को प्लेट के ऊपर ट्रेस कर लिया। ये मुझे थोड़ा सा इसकी शेप बहुत नोक वाली नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा नोक वाला बनाया दोबारा से पेपर पे डिज़ाइन करके और दोबारा किया ट्रेस। और फिर उसी तरह एक स्क्वायर बनाया और उसको सेंटर में ट्रेस कर दिया उस डिज़ाइन के। फिर ये मैंने इस कॉर्नर को फिल करने के लिए एक सिक्स जैसी शेप बनाई है चार, और फिर मैंने चारों कोनों पर उसको लगाया है। यहाँ पर मैंने मेटालिक ब्लू कलर यूज़ किया है इसके कोनों पे करने के लिए। सेंटर में चार कोनों वाला फूल बनाने के लिए मैंने एक बॉटल का पेंदा यूज़ किया है राउंड के लिए। आप कोई भी चीज़, कोई भी बोतल का ढकना या कुछ भी यूज़ करके ऐसे चार सर्कल से फ्लावर बना सकते हैं। और ये फिर मैंने इसके सेंटर में इसको ट्रेस किया है। और फिर मैंने वो जो सिक्स वाली जो शेप बनाई थी ना चार, उनको कोनों पे, उनको कोनों में लगा के उनको एडजस्ट करके चारों कोनों पे उनको ट्रेस कर दिया। यहाँ मैंने जो है स्क्वायरस के कोनों पर ऑरेंज कलर से पेंट किया है। ये मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ सारे। इसके बाद मैंने जो है इस पूरे सर्किल को ब्लैक कलर से फिल कर दिया। यहाँ पर मैंने रेड एक्रेलिक कलर यूज़ किया है इसके जो सिक्स जैसी शेप के मैंने कॉर्नर्स पे एक डिज़ाइन बनाए थे उसको फिल किया उसे। मुझे थोड़ा सा लाइट सा मेटालिक पिंक कलर चाहिए था, तो फिर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर में थोड़ा मैका पाउडर वाइट कलर का और उसके अंदर मैंने हल्का सा टच ऑफ ऑरेंज दिया है, तो ये कलर बनाए। और अगर आपके पास मेटालिक वाइट पेंट हो तो आप उसमें हल्का सा टच ऑफ पिंक मिला के भी ये कलर बना सकते हैं। मेरे पास एक गोल्डन कलर था तो फिर मैंने उसमें हल्का सा टच ब्लैक थोड़ा सा टच करा है, और थोड़ा मैं इसको डल गोल्ड बनाना चाह रही थी तो फिर मैंने वो बनाया है। ब्लैक या ब्राउन हल्का सा अगर गोल्ड में ऐड करें तो थोड़ा उसमें एंटीक लुक आ जाता है, तो वो मैंने बनाया है थोड़ा। और वो जो फोर पेटल्स का फ्लावर था उसके अंदर मैंने ये फिल कर दिया सिर्फ कॉर्नर्स के अंदर, और अंदर मैं दूसरा वाला गोल्ड यूज़ करूँगी। ये वाला जो है मैंने कॉपर गोल्ड यूज़ किया है इसके सेंटर के लिए। मेरे पास एक पुरानी ज्वेलरी की एक अंगूठी पड़ी थी जिसको मैंने काट के और उसका सेंटर बहुत बड़ा सा था, वो मैंने इसके सेंटर में लगा दिया है। और ये जो है ये मैंने चार स्टोन्स लगाए हैं रेड कलर के, और ये मैंने मिरर लगाए हैं चार, और इनको मैंने ग्लू से चिपका दिया है वाइट ग्लू से। इसी तरह मैंने और स्टोन्स थोड़े से लाइट ट्रांसपेरेंट ग्रीन, और ये थोड़े मिरर रख के देखे कि कैसे लग रहे हैं, फिर मुझे थोड़े सही लगे तो फिर मैंने इनको ग्लू से चिपका दिया। यहाँ पर मैंने गोल्डन कोन से इसकी आउटलाइनिंग की है। अगर आपको मेहंदी लगानी आती हो तो आप बहुत आराम से ये इस तरह के डिज़ाइन इसके अंदर बना लें। या आपको कुछ भी आता हो छोटे छोटे सर्कल्स डॉट लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इसको फिल करा है बेसिकली ताकि ये एक ऐसा भरा हुआ सा लगे और गोल्डन पीछे का छुप जाए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं वाइट ग्लू एक कोन में भर के रखती हूँ ताकि मैं अपनी जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनको उससे चिपका सकूँ। तो उसी वाइट ग्लू से मैंने ये जो थोड़े से राइन स्टोन छोटे छोटे स्टोन्स हैं इसके ऊपर गीली कोन जब थी लाइन आउटलाइन मैंने उसके ऊपर रख दिए हैं और वो उस पर चिपक गए।
इसी तरह मैंने बाकी डिज़ाइन पर भी गोल्डन आउटलाइन बना ली, और वो जो मैंने स्टोन्स लगाए थे उनके भी चारों तरफ कहीं पर मैंने आउटलाइन लगाई है और कहीं पर डॉट्स लगाए हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे पसंद हो। और मैंने पूरे इसको फिल किया है, इसके अंदर पूरे जितने भी कलर्स थे जैसे ऑरेंज के ऊपर और ब्लू के ऊपर, सब पे मैंने गोल्डन से अंदर डिज़ाइन बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि आपको मुस्तकबिल में ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। Thank you.
यहाँ पर मैंने ये एक बेल ख़रीदी है जो थोड़ा सा इससे मैच हो रही थी क्रिस्टल वाली, तो फिर मैंने इसको हॉट ग्लू गन से चिपका दिया इस प्लेट के चारों तरफ। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।